स्कूलों में फर्नीचर्स की कमी का मामला है। इस बजट में भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर के स्कूल्स को फर्नीचर के लिए बजट ना मिल सका, इसकी वजह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ जी, इसकी बुनियादी वजह तो यही नजर आ रही कि फंड की कमी है, लेकिन जैसे ही मुराद राज वजीर तालीम स्कूल है पीटीआई के, इन्होंने चार्ज दिया था कलमदान से वाला था, तो इन्होंने कहा था कि 1 लाख जो बच्चे हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट के, इनके लिए फौरी तौर पर जो है फर्नीचर का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन इस बजट में भी जो है इस हवाले से कोई पैसे नहीं रखे गए। और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो 1200 से स्कूल हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले 1 लाख के करीब बच्चे जो हैं उनके पास फर्नीचर नहीं है, और बच्चे फर्नीचर ना होने की वजह से ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं, और आगे आगे जो सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें बच्चे जो है जब ज़मीन पर बैठेंगे तो बीमार होंगे। और असातिज़ा का भी यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए थे कि बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो हम आकर जो है तमाम चीज़ें और सहूलियात जो है वो बेहतर फराहम करेंगे, तालीम के लिए जो भी सहूलियात और जितने पैसे चाहिए होंगे हम फराहम करेंगे, लेकिन इस बजट में भी जो है स्कूलों में जो फर्नीचर की कमी है उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। हुकूमती दावे हवा हो गए हैं। शुक्रिया आतिफ परवेज़।